Vande Matram students, welcome to Mathematics Study Circle. Today we are going to deal with some problems related to cones. Aaj hum cones se related kuch ek problems se deal karenge from class 9 CBSE. Question number 1. The height of a cone is 16 cm and its base radius is 12 cm. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कोन होता क्या है. सपोज आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, तो ये जो राइट एंगल बनाने वाले दो साइड्स हैं, इन दोनों में से किसी भी एक साइड को फिक्स कर लीजिए, चाहे बेस और परपेंडिकुलर. हमने इस परपेंडिकुलर साइड को फिक्स कर लिया और इस साइड को फिक्स्ड करने के बाद इस फिक्स्ड साइड के अबाउट में जब वन कंप्लीट रोटेशन इस ट्रायंगल को इस प्रकार से देंगे तो जो सॉलिड जनरेट होगा वो कोन कहलाएगा. और वो कोन कुछ इस प्रकार होगा. आप देख सकते हैं कि कोन का जो बेस है वो सर्कुलर शेप का होगा. ठीक, फॉर एग्जांपल जोकर का कैप, आइसक्रीम का कोन एक्सेट्रा. ये जो सर्कुलर बेस है इसका रेडियस आर, हाइट एच, और ये जो स्लैंटिंग पोजीशन है इस लेंथ को हम कहते हैं स्लैंट हाइट, डिनोटेड बाय स्मॉल एल. ध्यान रहे, रेडियस आर, हाइट एच, स्लैंट हाइट एल. यहां पर क्लियर इंडिकेट किया हुआ है आर इज इक्वल टू रेडियस, एच इज इक्वल टू हाइट, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट. अब कोन से रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूले हमारे पास हैं. आप देख सकते हैं ये एक राइट ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है कोन से रिलेटेड. इसके बाद जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कर्व सरफेस एरिया, ये जो बेंड पार्ट है कर्व पार्ट, इस कर्व सरफेस एरिया का मेजरमेंट होता है CSE, कर्व सरफेस एरिया. कभी कभी हम इसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं. एंड दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई आर एल. ऑल्सो द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दैट मींस एक तो कर्व सरफेस हो गया और बेस का जो सरफेस एरिया है, बेस पाई आर स्क्वायर सर्कुलर एरिया. सो कर्व सरफेस एरिया इज गिवन बाय पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर. तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया हुआ यानी कर्व सरफेस और एरिया ऑफ द बेस, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट सरफेस एरिया दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. एंड दिस विल गिव पाई विल बी टेकन आउट कॉमन, आर एंड आर टेकन आउट कॉमन, सो वी गेट एल प्लस 1 आर इनसाइड द ब्रैकेट. सो टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाय पाई आर एल प्लस आर. तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास हैं कोन से रिलेटेड. फॉर्मूले नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए अगर आपको कोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं. ठीक, तो अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर given. Height of the cone h is equal to 16 cm and its base radius is 12 cm and its base radius r is equal to 12 cm. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. Curved surface का formula हमारे पास है pi r l और हमारे पास l given नहीं है. हम क्या करेंगे, l r h इन तीनों में से कोई भी दो quantity हमारे पास दिया हो तो इस relation में उन values को रखेंगे और तीसरा quantity हम find out कर सकते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर h और r given है, h और r के वैल्यूज पुट करेंगे, l का वैल्यू हमको मिल जाएगा. l का वैल्यू जैसे ही हमें मिलेगा तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला में l और r के वैल्यूज पुट करेंगे, साथ ही साथ पाई का वैल्यू, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट इजीली द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन.
उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट इजली द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया। देखते हैं कैसे। गिवन हाइट ऑफ द कोन h 16 सेंटीमीटर, बेस रेडियस r 12 सेंटीमीटर, वी नो दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h इज 16 सो वी गेट 16 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर दैट मींस 16 इनटू 16, 12 स्क्वायर दैट मींस 12 इनटू 12, 16 6 जर 96 कैरी 9, 16 1 जर 16 प्लस 9 25, 12 इनटू 12 एज यू मस्ट बी वेरी वेल नोइंग 12 इनटू 12 दैट मींस स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 और यू मे वेल कैलकुलेट इट इजली 12 टू जर 24 का 2 सॉरी 12 टू जर 24 का 4 कैरी 2, 12 1 जर 12 प्लस 2 14 एंड द सम कम्स आउट टू बी 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 आप इधर लाइए 60 प्लस 40 इधर लाइए 100, 200 प्लस 100 300 प्लस 100 400, L square is equal to 400, L square is equal to 400 or L square is equal, L is equal to root over 400 or L is equal to root over 20 into 20 or L is equal to 20 centimeter. Have a look at once. Okay, now we have to find the curved surface area. Now, curved surface area of the cone is equal to pi RL. Pi RL. R is here, how much? 12. L is 20. पाई, देखिए पाई के हमारे पास दो वैल्यूज हैं 22/7 एंड 3.14। 22/7 अगर हम यहां पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो 7 होगा वो 20 या 12 किसी से भी कैंसिल नहीं होगा। ऐसे केस में बेहतर होगा कि हम पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दें, सो दैट 12 इंटू 3.14 इंटू 20 314 का ट्वाइस 628, साथ में एक जीरो, दो डिजिट्स के बाद पॉइंट इंटू 12 एंड दिस कम्स आउट टू बी 12 जीरो जर 0, 12 8 जर 96 9, 12 2 जर 24 प्लस 9 33, 3 12 6 are 72 plus 3 75 and we put a decimal point after two digits. Curved surface area centimeter square. Have a look at us. Now total surface area, total surface area of the cone is equal to pi RL plus pi R square or this one. So we write pi R L plus R. Pi should be taken once again 3.14 into the value of R radius 12. Within the bracket we write 20 plus 12 and this comes out to be 314 2s are 628 carry 62, 314 1s are 314 plus 62 we get 376, two digits ke baad point into 20 plus 12 32,
अब इन्हें आप आराम से मल्टीप्लाई कर लें, 3768 इंटू 32। मल्टीप्लीकेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। एक बहुत ही आसान तरीका है, 3768 का ट्रिपल, फिर एक जीरो लगा देंगे, 30 टाइम्स हो जाएगा ट्रिपल, तो हम इंटू 3 करते हैं, 3 8 24 कैरी टू, 3 6 18 प्लस 2 20 कैरी टू, 3 7 21 और 2 23 कैरी टू, 3 3 9 प्लस 2 11 ये हुआ 3768 का 3 टाइम्स। अगर हम 0 पुट करें तो 30 टाइम्स, 2 टाइम्स और हमें ऐड करना है, 3768 8 प्लस 8 16 का 6 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16 और 1 17 कैरी 1, 7 प्लस 7 14 और 1 15 कैरी 1, 3 3 3 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1 2 1 1 2 0 5 7 6 1 2 0 5 7 6 a decimal point after 2 digits, so the answer comes out to be 1205.76 centimeter square, and this is the total surface area of the given cone, and here we finish our question number 1. I hope this video proved to be useful to you people. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस डील करेंगे। आई वुड एडवाइस यू पीपल टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द वीडियो, एंड एस इफ यू सब्सक्राइब द वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशंस एज सून एज यू पीपल कम ऑनलाइन। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद। जय मां भारती।